हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। मैं कंपनी लगा अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 9 लेकर के आया हूं। और चैप्टर नंबर 9 में आपने देखा पूंजी का प्रबंध, ये हमारा आज का टॉपिक है। और चैप्टर नंबर 9 में आपको ये पता चल जाएगा कि पूंजी क्या होती है, कैसे कैसे इसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है और कहां कहां से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और इस तरह का समझाऊंगा, पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। और किसी भी और जगह आपने अगर पूंजी प्रबंध पढ़ा होगा या कंपनी लॉ का कोई भी चैप्टर कहीं पढ़ा होगा, आपको लगेगा कि दूसरी जगह में और हमारे यहां पर क्या अंतर। और बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बस आप अपना कल्याण करते रहिए, आप देखते रहिए। और जो लोग जुड़ने वाले हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो आइए समझाते हैं हम आपके लिए कि भाई बीकॉम सेकंड में कंपनी अधिनियम जो हमारा चल रहा है उसी में चैप्टर नंबर 9 कंपनी का पूंजी का प्रबंध, ये चैप्टर आज हम पढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे कि पूंजी, देखिए कंपनी की पूंजी, कंपनी की पूंजी का अर्थ, जब हम अर्थ समझ लेंगे भाई तभी तो इसका करेंगे हम क्या प्रबंध। प्रबंध को अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट, पहले हम पूंजी समझ लें। देखो किसी भी व्यापार को करने के लिए जाहिर सी बात है कि पैसा लगाना होता है, पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओके, उस लगाए हुए पैसे को ही हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। आपने बैलेंस शीट देखी होगी, जो बैलेंस शीट होती है वो इस तरह की होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर दायित्व होते हैं, यहाँ पर अमाउंट होती है, यहाँ पर संपत्तियाँ होती हैं और यहाँ पर अमाउंट होती है। तो भैया दोनों ओर का जो टोटल है, इधर का और इधर का, दोनों ओर का टोटल कैसा होता है, बराबर बराबर होता है। इसी को कहते हैं हम क्या, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले नंबर पे लिखी हुई होती है पूंजी और नीचे लिखे होते हैं क्या, दायित्व। इधर क्या लिखी होती हैं, संपत्तियां। तो भाई कंपनी की पूंजी का मतलब क्या समझते हो, यानी कंपनी में जितनी भी संपत्तियां लगी हुई हैं, ध्यान दो यहां पर, जितनी संपत्तियां लगी हुई हैं उनमें से कर्जों को हटा दो, यानी जो दायित्व हैं हटा दो, जो कुछ भी बचेगा वो सब क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। तो सिंपल शब्दों में कंपनी के व्यापार में लगा हुआ समस्त धन, चाहे वो स्टॉक में लगा हुआ हो, चाहे संपत्तियों में हो, चाहे भूमि भवन में हो, चाहे मशीनों में, जितना भी धन लगा हुआ है वो सब का सब किसके बराबर है, पूंजी और दायित्व के बराबर। तो दायित्व को थोड़ी देर को भूल जाते हैं तो वो सब के बराबर क्या है, पूंजी के बराबर है। अब भाई व्यापार करने के लिए ये संपत्तियां लाओगे कहां से, या तो अपने पास से लाओगे तो वो हमारी पूंजी बन जाएगी, या उधार लेकर के आओगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, क्लियर हो गया, दायित्व बन जाएंगे। ठीक है, तो बेटा जो पूंजी का प्रबंध होता है, जैसे लिखा ना पूंजी का प्रबंध, ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। ओके, जो आंतरिक वाला पार्ट होता है वो बनता है हमारा पूंजी सीधे जाकर के, और जो बाह्य वाला होता है वो दायित्व बनते हैं। और इन सब के योग से जो कंपनी अपनी ग्रोथ बढ़ाती है, अपनी संपत्तियों में इंक्रीज कराती है, वो कहीं ना कहीं से हमारी पूंजी का रूप बनती है। तो आंतरिक और बाह्य दो तरीके से कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंध करती है। चलिए अब हम आपको आगे की बात बताएं, बहुत गहरी बात है ये, और ये आपको कहीं पर बुक्स में नहीं मिलेगी अब मैं जो बताने जा रहा हूं। चलिए आपने पूंजी को तो समझ लिया, क्या होती है पूंजी एक बार और रिवाइज कर दें। कंपनी जिससे अपना पूरा व्यापार करती है, कंपनी में लगा हुआ समस्त धन कंपनी की क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है। अब पूंजी का प्रबंध होता कैसे, बिल्कुल शुरू से बताएं। एक व्यक्ति होता है जो कंपनी के बारे में सोचता है, जिसको हम कहते हैं प्रवर्तक। क्या कहते हैं, प्रवर्तक, जिसे हम प्रोमोटर कहते हैं। ये अनेक लोगों से मिलता है, कहता है कि भैया हम एक कंपनी व्यापार कर रहे हैं, सबसे पहले ये अपना पैसा लगाता है। जो लोग इसके साथ इच्छुक हों वो अपना अपना पैसा लगा सकते हैं, वो लोग क्या बनते चले जाते हैं, अंशधारी बनते हुए चले जाते हैं, यानी वो अपने पैसे के लिए भी इस कंपनी में लगाते हैं। अब कंपनी को और पैसे की ज़रूरत होती है, तभी क्या कंपनी और लोगों से मिलती है, और वो कंपनी जो अन्य लोगों से मिलती है उनसे कहती है अपना पैसा लगाइए, लेकिन कुछ लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो कंपनी कहती है कि भाई आप पैसा लगाइए तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको फायदा होगा, और अगर कंपनी डूबती भी है तो देखो प्रवर्तक का पैसा लगा हुआ है, और साथ में इन अन्य एक प्रकार से मान लेंगे थोड़ी देर के लिए संचालकों का पैसा लगा हुआ है। अगर कंपनी हमारी डूबेगी तो सबसे पहले हम तुम्हारा पैसा दे देंगे, हमारा पैसा भले ही डूब जाए तो लोग विश्वास करते हैं चलो हमारा डूबेगा इनका भी डूबेगा।
ओके, तभी और लोग शामिल हो जाते हैं। और जो अन्य लोग शामिल होते हैं, ये हमारे जो होते हैं समता अंशधारी, जिनको हम कंपनी का मालिक भी कहते हैं, समता अंशधारी होते हैं, ये अपना पैसा लगाते हैं। अब कंपनी को और पैसे की ज़रूरत पड़ रही, तभी कंपनी क्या करती है कि यहाँ तक तो रहे कंपनी के अपने स्रोत, यानी आंतरिक आंतरिक, अब कंपनी क्या करती है, कर्जा लेना शुरू कर देती है। कहाँ से? बैंकों से और जनता से, किसी और से जो कर्जा लेना शुरू कर देती है, फिर उनके बदले में एक सर्टिफिकेट देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ये अगली वीडियो में मिलेगा। ओके, तो इस तरह से कंपनी क्या करती है, या तो बैंक के पास में जाती है, बैंक से ले लेती है, किसी संस्था से ये पैसा ले लेती है, यानी इस पैसे के बदले में कंपनी देती है क्या, ब्याज। और यहां तक जो अंदर अंदर वाला था, इसके बदले में कंपनी देती है क्या, लाभांश। ओके, लाभांश का मतलब है इन सबको लाभ में हिस्सा मिलता है, और ब्याज का मतलब है कि इन लोगों का पैसा कंपनी यूज करती है, उसके बदले में दिया गया धन क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आपने अभी तक ये समझी, ये समझने के बाद में आपको ये लगना चाहिए कि आपने किस तरह से इसके लिए तैयार किया। तो यहाँ पर ये पूरा एक डायग्राम जैसा है, जो आपको समझाने के उद्देश्य से सरल लगे इसलिए मैंने ये समझाया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं और आगे के काम की, ठीक है। चलिए, दो बातें क्लियर हुई, कंपनी की पूंजी किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, कंपनी की पूंजी व्यापार में लगा हुआ धन कहलाता है। कंपनी की पूंजी इकट्ठी कहाँ कहाँ से होती है, दो जगह से इकट्ठी होती है, एक आंतरिक स्रोत से, एक बाह्य स्रोत से। आंतरिक स्रोत में कौन कौन आते हैं, वही प्रवर्तक का पैसा आता है, संचालक का पैसा आता है, समता अंशधारियों का आता है, यानी जो कंपनी के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका पैसा आता है। लेकिन फिर भी अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है कि तमाम सोर्सों से पैसा इकट्ठा करती है, इसी को हम कहते हैं कंपनी की पूंजी का प्रबंध। अब कंपनी की पूंजी का प्रबंध करने के तरीके, भाई कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, ये यहां पर हमको समझना होगा। सबसे पहला ऋण पत्रों द्वारा पूंजी प्रबंध। ऋण पत्र किसे कहते हैं, ऋण पत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऋण प्लस पत्र। आपने कंपनी को कोई भी पैसा दिया, क्या दिया, ऋण के रूप में दिया। अब कंपनी उसके बदले एक सर्टिफिकेट देगी, वो आपका क्या कहलाएगा, ऋण पत्र कहलाएगा। ओके, दूसरा बंधक पर ऋण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लोन ऑन मॉर्गेज। कंपनी क्या कहती है, कोई व्यक्ति कंपनी में भरोसा नहीं करता है तो कंपनी कहती है हमारी कोई भी संपत्ति है आप बंधक बना लीजिए। बंधक का मतलब है कि आपके लिए हम रिटर्न में दे देते हैं, हम पैसा दे दें, हमारी संपत्ति दे देना। संपत्ति का मतलब अधिकार दिया जाता है, जैसे कोई मशीन लगी हुई है एक कंपनी में, अब मशीन है वो 10 लाख रुपए की है और तुम 5 लाख रुपए दे रहे हो, तो विश्वास नहीं कर रहे कंपनी पे, तो कंपनी कहेगी चलिए हमारी जो 10 लाख की मशीन है वो हम गिरवी, उसके पेपर हैं वो आपके नाम में करा देती कंपनी। अब अगर कंपनी आपका पैसा नहीं देती है वापस, तो आप उस मशीन के लिए तुरंत कानूनी रूप से प्राप्त कर सकते हो। तो कंपनी पैसा तो दे ही देगी, क्योंकि उसकी 10 लाख की मशीन है, आपका 5 ही लाख रुपए है। ओके, तो ये कहलाता है बंधक पर ऋण, यानी लोन ऑन मॉर्गेज, ठीक। दूसरा, तीसरा गिरवी रखकर। कंपनी के पास में बहुत सी संपत्तियां होती हैं जो एक दूसरे को गिरवी रखती जाती है। गिरवी रखने का मतलब जब कंपनी की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, जब कोई व्यक्ति कंपनी को पैसा देना नहीं चाहता है, तो कंपनी क्या करती है, अपने कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनको गिरवी रखा जा सकता है, उनको गिरवी रखती है और वहां से पैसा ले लेती है। ओके, इसके बाद में चौथे नंबर पे प्रभार द्वारा। ये प्रभार द्वारा ऋण क्या होता है, मान लीजिएगा कि एक कंपनी का ये टुकड़ा है, ठीक। अब इस टुकड़े पे क्या हुआ कि हम हैं मान लीजिए एक्स, हमने 5 लाख रुपए दे दिए इस टुकड़े पे, लेकिन टुकड़ा तो 85 लाख का है। पता चला कि ये जो टुकड़ा है इसी को
दूसरे व्यक्ति के लिए भी गिरवी रख दिया गया, यानी प्रभार दे दिया गया, और आपसे भी, आप बाई हो तो आपसे भी कंपनी ने 3 लाख रुपए ले लिए, ये कहलाएगा आपका द्वितीय प्रभार। यानी कंपनी अगर डूबती है तो इस प्लाट को बेच करके सबसे पहले हमारा भुगतान होगा, फिर आपका भुगतान होगा, और किसी अन्य व्यक्ति से भी अगर 2 लाख रुपए और ले लिए फिर उसका भुगतान होगा, ये कहलाते हैं प्रभार। यानी पहले किसका, फिर बचा हुआ, फिर बचा हुआ, फिर बचा हुआ, ओके। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रभार कहलाते हैं। और पांचवा तरीका है अधिविकर्ष द्वारा, अधिविकर्ष द्वारा। अधिविकर्ष को कहते हैं बाय द ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कंपनी के खाते में पैसे नहीं है फिर भी कंपनी की लिमिट बनी हुई होती है, और लिमिट के बेस पे जो बैंकें हैं वो एक शॉर्ट टर्म ऋण के रूप में कंपनियों के लिए पेमेंट दे देती हैं। तो ये हमारा कहलाता है क्या, अधिविकर्ष द्वारा। तो ये पूंजी प्रबंध के क्या हैं, तरीके हैं, 2 तरीके हैं, आंतरिक और बाह्य। और इनके नोट्स, इनकी पूरी जो डिटेल है वो तो नोट्स में मिलेगी, और जो लोग नोट्स परचेज करना चाहते हो तो 9719881101 ऑफिस का नंबर है, यहाँ से बहुत सस्ते में थोड़ा सा पेमेंट ले रहे हैं, ठीक, अपनी मेहनत ले रहे हैं और तुरंत दे रहे हैं। तो इस तरह से ये कंपनी का पूंजी का प्रबंध करने के तरीके हैं जो बुक में बहुत टफ तरीके से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगा, आंतरिक का मतलब अंदर अंदर, यानी कंपनी के अंदर के जो कर्मचारी हैं, संचालक हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेंबर हैं, यानी घर के अंदर की बात हो रही है तो आंतरिक प्रबंध है। और जब अपनी कंपनी के व्यक्तियों से बाहर कहीं जाना पड़े वो बाह्य प्रबंध है, ओके। इससे ज़्यादा सरल तरीके से और क्या सीखोगे। अब इनमें भी सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं वो ये है, ऋण पत्रों द्वारा पूंजी प्रबंध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, और वरना ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।